नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। एक महिला के जीवन में गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी एक वंडरफुल पीरियड होता है, क्योंकि हर महिला एक पड़ाव पर मां बनने का सपना देखती है और यहीं से उसके नए जीवन का आगमन शुरू होता है। इस अवस्था में जहां महिला का ख्याल उसके अपने रखते हैं, जबकि उसे अपने अंदर पल रहे शिशु की देखभाल करनी पड़ती है। बहरहाल, यहां आपको प्रेगनेंसी किट से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी मैं बताने जा रही हूं। जब भी आप बच्चे की प्लानिंग कर रही हो और पीरियड तय समय पर ना हो, तो मन में पहला ख्याल प्रेगनेंसी टेस्ट करने का आता है। आजकल प्रेगनेंसी टेस्ट करने की किट लगभग हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। साथ ही इसे इस्तेमाल करने का काफी आसान तरीका भी बताया गया है, इसलिए आमतौर पर महिलाएं घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हैं। प्रेगनेंसी किट का इस्तेमाल करना तो तमाम महिलाएं जानती हैं, लेकिन क्या आप इसका इस्तेमाल दोबारा कर सकती हैं? दरअसल कभी कभी महिलाएं पहले इस्तेमाल की गई प्रेगनेंसी किट से दोबारा जांच करती हैं, लेकिन इस्तेमाल की गई टेस्ट से अगर आप चाहते हैं सही रिजल्ट आएगा, तो इसकी क्या गारंटी है? इस सवाल का जवाब आपको मैं बताने जा रही हूँ। अगर आपके दिमाग में सच में सवाल आता है कि क्या प्रेगनेंसी किट का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसका जवाब हाँ है। लेकिन अगर आप यूज़ की हुई किट का दोबारा इस्तेमाल करना चाहती हैं और सटीक परिणाम चाहती हैं, तो ऐसा संभव होना सही नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रेगनेंसी टेस्ट का एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल में लाना सही तरीका नहीं है। पहला फैक्टर है कि पहले से इस्तेमाल में लाई गई प्रेगनेंसी किट से सटीक परिणाम आने की कोई गारंटी नहीं है, और दूसरा ये भी है कि प्रेगनेंसी किट काफ़ी सस्ती आती है, जिसे हर कोई खरीद सकता है। लिहाजा बेहतर तो यही होगा कि अगर नई किट से ही आप परीक्षण करें। वहीं ऐसी कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि महिलाएं अगर प्रेगनेंसी किट पर दो बार टॉयलेट करें तो रिजल्ट सटीक या कहें पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन ये गलत फैक्ट है, क्योंकि आप किट पर दो बार टॉयलेट कर सही रिजल्ट की उम्मीद करती हैं तो ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि जब एक प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप ड्राई हो जाती है तो वो कलरलेस लाइन छोड़ देती है। कुल मिलाकर किसी भी यूज़ की हुई किट से पुनः परीक्षण करना आसान हो सकता है, पर यह तरीका गलत है। इससे आप अनावश्यक तनाव लेंगे, इसलिए नया किट ही इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।